हेलो फ्रेंड्स, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं मयंक दुबे आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी लेटेस्ट वैकेंसी जिसको आए हुए अभी दो तीन दिन हो चुके हैं, IBPS PO जो बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस बार जो वैकेंसी आई हुई है आपकी वो है 4102। टोटल सारे बैंक जो भी हैं हमारे 19 बैंक्स उनकी जितनी भी वैकेंसीज हैं आपके सामने हैं, और जो फॉर्म है वो आज से मतलब 14 अगस्त से आपका भरना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट रहेगी आपकी 4 सितंबर। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा अभी ही फॉर्म भर दें, लास्ट में सर्वर हैंग हो जाता है। और अब बात की जाए ट्रेनिंग की, तो हाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपका है वो सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में उसका डाउनलोड जो लेटर होगा जो SC ST वालों को कैटेगरीज वालों को जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट फ्री में कंडक्ट कराया जाता है जो आपके लिए ट्रेनिंग चलती है वो चलेगी लगभग 10 सितंबर तक, और उससे पहले आपका हो जाएगा एक हफ्ते की ट्रेनिंग रहेगी। और अगर हम बात करें अब ट्रेनिंग के बाद मेन हमारा पेपर कब होने वाला है, तो भाई जो प्रीलिम्स है आपका वो 13 और 14 अक्टूबर 20 और 21 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा। सैटरडे संडे एग्जाम होता है बैंकिंग का, आप सबको पता है, और मैक्सिमम 4 डेज में होता है। पीओ का अगर कंडक्शन देखा जाए 3-4 डेज का होता है। ठीक है, आप लोग सभी लोगों को मेरा यही बोलना है कि जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, और ये आपसे मेरा वादा है कि अभी बीच में हमारा थोड़ा सा वीडियो डिले हो गए थे, हम लोग किसी प्रॉब्लम के चलते अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन अब स्पेशली IBPS PO पे भी मैं आपके लिए क्लासेस लेके आऊँगा। और अब बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स के पैटर्न में जैसा कि हमने सोचा था SBI PO का पैटर्न चेंज हुआ है। जी हाँ चेंज हुआ था, तो इसमें भी ऐसा कुछ हुआ है। हाँ इसमें हुआ है, इसमें आपका जो टाइम स्लॉट है वो 20-20 मिनट का कर दिया गया है, और जो पेपर पैटर्न है वही है इसकी, 60 मिनट का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 35 रीजनिंग के हैं, 35 आपके क्वांट के हैं, और 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, लेकिन टाइम स्लॉट बांट दिया गया है 20-20 मिनट का सेक्शनल कट ऑफ के लिए। और अगर हम यहाँ पर बात करें आपका मेंस कब कमेंस्ड होने वाला है, तो जो आपका मेंस कंडक्ट होने वाला है वो 18 नवंबर को कंडक्ट होने वाला है। उसमें अगर देखा जाए तो आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, जी 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका। ठीक है, अब उसमें बात की जाती है आपके पास टाइम, तो आपके पास टाइम है वहाँ पर 3 घंटे। कितना टाइम है? 3 घंटे। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन देखा जाए तो टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 155। अब बात की जाती है मार्किंग की और टाइम मैनेजमेंट की। जी हाँ इसमें आपको सेक्शनल वाइज टाइम दिया जाएगा, जैसे कि पिछले साल आपने देखा होगा सेम पैटर्न है, जैसा आपका रीजनिंग और कंप्यूटर जो मिक्स बोला जाता है, रीजनिंग और कंप्यूटर आपका मिक्स सेक्शन बोला जाता है। रीजनिंग सेक्शन से आपके रीजनिंग और कंप्यूटर से आपके 45 क्वेश्चन होंगे। आपके पास जो टाइम जो कि 60 मार्क्स के होंगे, कितने मार्क्स के होंगे आपके 60 मार्क्स के, आपके 45 क्वेश्चंस होंगे जो 60 मार्क्स के होंगे, और जो आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पर वो भी आपका 60 मिनट्स रहेगा। अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूँगा आपसे, तो उसमें आपके क्वेश्चन 35 हैं, मार्क्स आपके 40 हैं, और टाइम भी आपको 40 मिनट का दिया गया। अब बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब अब तो चेंज ही हो गया है नाम को, पहले क्वांटिटेटिव होता लेकिन अब DIDI पूछते हैं, तो सेक्शन को रख दिया आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन से आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे 35, एंड मार्क्स विल बी 60 मार्क्स का आपका रहेगा, और टाइम जो आपको दिया जा रहा है वो 45 मिनट्स का है। अब बात करूं मैं लास्ट सेक्शन जो आपका आपका करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस का हो जाता है, बैंकिंग अवेयरनेस का हो जाता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो उस सेक्शन से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 35 मिनट का आपके पास टाइम है, और जो मार्किंग रखी गई है वो है आपकी 40। तो इस तरीके से आपका जो ओवरऑल एनालिसिस है इसका बना है, और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब तैयारी स्टार्ट करनी है, पहले फॉर्म फिल कर दो और तैयारी में तुरंत जुट जाओ। अब हम इसके लिए स्पेशल लेक्चर आपके लिए और लेके आएंगे, और मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि कैसे IBPS PO की आपको तैयारी करनी है जल्द आपके सामने। तब तक के लिए मैं आप लोगों से बिल्कुल विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।